मैंने सुना फारूक जी की तारीफ हुई और उस समय फारूक जी बैठे भी थे, उनको भी अच्छा लगा होगा कि कश्मीर का चुनाव फारूक जी को जीतना चाहिए था। अब फिर मैंने धीरे से कश्मीर के हमारे मित्रों से पूछा कि क्या कांग्रेस कश्मीर में चुनाव नहीं लड़ी थी क्या? उन्होंने वहां भी फारूक को आउटसाइड सपोर्ट दिया था क्या, भाई तुम ही लड़ो और तुम ही जीत जाओ? तो पता चला कि ये फारूक से लड़े थे और जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार सबसे कम वोट पाए, सबसे कम सीटें पाए। अगर आप खुद फारूक से लड़े तो देवेगौड़ा फारूक को कहां से बचाएंगे? असल के कारण बताओ क्या है? आपने तीसरा मुद्दा रखा, वो पाकिस्तान के अध्यक्ष लेघारी ने क्या कहा? अरे बाप रे, हम अपने अध्यक्ष के बारे में कुछ नहीं कह सकते, मतलब आप कि उसने क्या कहा, मतलब आप अपने पार्टी के अध्यक्ष के बयान की रिस्पांसिबिलिटी नहीं ले सकते। बेचारा देवेगौड़ा लेघारी की रिस्पांसिबिलिटी कहां से लेगा कि उसने कहां से बात की, मुझे तो समझ में नहीं आता। लेघारी ने क्या कहा, खलीज टाइम्स, हम भी दुखी हैं। पाकिस्तान के अध्यक्ष ने जो कहा वो निंदा के पात्र है। खलीज टाइम्स में जिस प्रकार आया उसका खंडन भी बाद में किया होगा, अगर वो सच है तो वो गलत है, लेकिन उसका किसी एक व्यक्ति से संबंध नहीं था। लेकिन तब आप ये नहीं बोले कि इस संयुक्त मोर्चा के सदस्य नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला ने भरी सभा में यह कहा कि छिंदवाड़ा में भरी सभा में कहा कि एक तिहाई कश्मीर ये पाकिस्तान को देना चाहिए और वही कश्मीर। अब उस फारूक जी के घर पे बैठ के आप तय कर